आज हम लोग करेंगे दुकान ऐप का रिव्यू जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट बिल्डर्स के बारे में बात करी है, जैसे कि ज़ायरो हो गया, कार्ड हो गया, स्वाइप पेजेस हो गया। इन सब के रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आज ऐसे ही एक वेबसाइट बिल्डर के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, जो कि स्पेसिफिक है ई कॉमर्स के लिए। अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो उसके लिए ये वाला जो प्लेटफॉर्म है विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, और अभी आप एट प्रेजेंट ये ऐप सुमो की डील के ऊपर भी है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या इसके प्रोज है, क्या फीचर्स है, क्या कौन से और किन को ये लेना चाहिए उसके बारे में भी। सो ये रही वेबसाइट दुकान, जिसका यहाँ पर आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ये अभी ऐप सुमो पर लाइफ टाइम डील के ऊपर है। इस ये अभी स्टार्ट हो रहा है $49 से। इसके अगर प्लान्स के बारे में देखें तो ये $49 पे यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन स्टोर मिल जाता है, $99 पे 10 ऑनलाइन स्टोर्स है, और अगर अनलिमिटेड चाहिए तो दैट इज़ फॉर $250। तो ये वाला प्लान मैंने लिया है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, विच इज़ रियली गुड। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है, रेजर पे का इंटीग्रेशन है, UPI इंटीग्रेशन से, इन सब के बारे में जाएंगे। जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो है इनकी ट्रांजेक्शन चार्जेस, दैट इज़ 0% ट्रांजेक्शन फीस जो इनके प्लेटफॉर्म पर है वो 0% है, विच इज़ रियली गुड फॉर द प्राइस दे आर ऑफरिंग दिस एड। आपको इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। थैंक यू। दुकान ऐप के बारे में बात करी जाए तो ये लॉन्च किया गया था 2020 में, एंड खास बात ये है कि जो इनके फाउंडर्स है वो इंडिया के ही है। सुमित शाह इनके फाउंडर है, एंड दैट इज़ वाई आई एम रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये इंडिया से ही बनाया गया है, इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया गया है, और इसको स्टार्टिंग में जो टारगेट किया गया था वो इंडियन ऑडियंस के लिए ही टारगेट किया गया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसका रिव्यू भी कर रहा हूँ। और इसने यहाँ पे रिसेंटली फंडिंग भी रेज करी थी लास्ट ईयर अराउंड $11 million की। सो यहाँ पर मैंने इसका टीयर वन वाला प्लान ले लिया है, और यहाँ पर अपना स्टोर भी मैंने क्रिएट कर दिया है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैंने टी शर्ट ऐड करी है, यू कैन ऑर्डर दिस। साइज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, प्रोसीड कर दिया है एंड देन कंटिन्यू, और यहाँ पर नंबर डाल के काफ़ी फास्ट है ये, और देन काफ़ी अच्छा भी इसका इंटरफेस है। कुछ इस तरीके से मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है जो मैंने मतलब 5 मिनट के अंदर बना दिया था। ये जितने भी मॉकअप्स है आई हैव यूज़ फॉर मॉकअप्स आई हैव यूज़ प्लेसेट का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर में हो तो प्लेसेट इज़ वन ऑफ द एप्स, वन ऑफ द सर्विस दैट आई विल रिकमेंड। देख लो, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी सही चीज़ें वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से बना लिया था, ऐड टू बैक कर देते हैं। तो फास्ट वेबसाइट है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जो बना है। अब यहाँ पर मैं इंटरफेस पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ मैं 1Password से। ठीक है, लॉग इन, एंड दिस इज़ हाउ द इंटरफेस विल लुक। यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं कस्टम डोमेन नहीं यूज़ किया है। जाते हैं ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स पर यहाँ पर आपको ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो जो आए हैं। यहाँ से आप लोग चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो। देन डिलीवरी ऑप्शंस है, अगर यहाँ से हम लोग डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं दुकान डिलीवरी का, उसके लिए यहाँ पर आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, या अगर आप लोग अपना ही डिलीवरी पार्टनर चूज़ करते हो तो ये स्किप कर सकते हो। देन प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो मैंने ऐड करके रखे हैं। प्रोडक्ट को ऐड करना काफ़ी सिंपल है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे, नाम डाल देना है, कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप वेयर पर कुछ डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये रही मेरी क्रॉप टॉप मॉडल की इमेज। यहाँ पर इन्वेंट्री ऐड कर देंगे हम लोग कि कितने आइटम्स अवेलेबल है, साइजेस, कलर्स। तो काफ़ी इजी है यहाँ पर ऐड करना। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने अपने जो प्रोडक्ट्स है, ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैंने डाल के रखे हैं। मार्केटिंग पे यहाँ पर आपको मिल जाता है कैंपेन लॉन्च करने का ऑप्शन। कैंपेन यहाँ पे बेसिकली SMS, WhatsApp या फिर Facebook एड्स के हैं। कैंपेन को मैंने ज़्यादा यूज़ करके नहीं देखा, इसलिए इसके बारे में मैं एट प्रेजेंट यहाँ पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। और ये अभी यहाँ पे थोड़ा नया भी है, कैंपेन्स के लिए मैं अलग ही सेपरेट टूल का यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग कैंपेन में नहीं जाएंगे। एनालिटिक्स की बात करें तो एनालिटिक्स पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी कितनी सेल्स हुई है, कितनी आपकी यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी आपका एनालिटिक्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा।
देन पेमेंट्स, पेमेंट्स के लिए यहाँ पर हम लोग यूपीआई से भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है एंड यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग पेमेंट्स। इतना इजी है यहाँ पे पेमेंट्स कलेक्ट करना। पेमेंट मेथड के बारे में बात करूँ तो पेमेंट मेथड में यहाँ पर हमें मिल जाता है दुकान पे है, जो कि मैं मतलब यूपीआई आईडी डाली है मैंने सिर्फ, दैट इज इट। और यूपीआई आईडी के थ्रू यहाँ पर मैं पेमेंट कलेक्ट कर सकता हूँ। चाहो तो बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर अपनी डाल सकते हो। रेजर पे इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन है, अगेन यहाँ पर भी आपको यूपीआई के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पेमेंट्स के लिए इंडियन यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन यहाँ पे देखे रखे हैं। टूल्स पे जाएंगे तो टूल्स पे यहाँ पर एक जो चीज़ है, स्टोर का क्यूआर कोड आप लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो अगर कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो डायरेक्टली आपके ई कॉमर्स स्टोर पे चला जाएगा, विच इज़ गुड। ये हम लोग यहाँ पे अपने मतलब दुकान के बाहर रख सकते हैं, जैसे पेमेंट के लिए रखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी रख सकते हैं इसको आप लोग अपनी शॉप के बाहर। एंड देन इनफैक्ट अगर यहाँ पर आप लोग किसी शॉपकीपर्स के लिए भी वेबसाइट बना रहे हो, उनको एक ई कॉमर्स स्टोर बना के देना चाहते हो, तो भी उनके लिए टूल अच्छा है। अपने लिए भी बना सकते हो, दूसरों के लिए भी बना सकते हो। और यहाँ पर प्रमोशनल डिज़ाइन है, बेसिकली इन्हीं का एक छोटा सा कैनवा का वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट्सएप स्टोरीज पर जाता हूँ और मुझे कुछ प्रमोट करना है, तो 50% डिस्काउंट है। व्हाट्सएप स्टोरी मेरी बनी हुई है, मैं इसको सीधे डाउनलोड कर दूंगा एंड देन अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। और लीव कर देते हैं अभी। इसी तरीके से आप डिज़ाइंस बना सकते हो। ऐप आपको मिल जाता है, ऐप बेसिकली इनका वेब व्यू ही मिलेगा आपको। ऐप ऐप कैसा दिखेगा वो भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, इसको वेब, इसको मोबाइल फॉर्मेट में देखते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरीके का आपको ऐप वर्जन देखने को मिलेगा, जो भी आप लोग एपीके डालोगे प्ले स्टोर पर आपको खुद ही अपलोड करनी पड़ेगी, या आप लोग अपने कस्टमर्स को भी दे सकते हो। तो जब वो इंस्टॉल कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ऐप दिखेगा। तो एपीके यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देन वी हैव इनवॉइस जनरेटर, डिस्क्रिप्शन जनरेटर, बैकग्राउंड रिमूवर, सब नॉर्मल है। डिस्काउंट्स आप लोग डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पर हम लोग जनरेट कर सकते हैं फॉर अवर ऑडियंस। वी हैव टू जस्ट क्रिएट क्लिक अ कूपन एंड देन फ्लैट डिस्काउंट चाहिए, परसेंटेज डिस्काउंट, बाय एक्स गेट वाई फ्री, तीनों टाइप के यहाँ पे कर सकते हैं। परसेंटेज डिस्काउंट पे जैसे अगर आपको कितना परसेंट देना है, वांट टू गिव 50%, सो यू कैन क्रिएट कूपन कोड्स। और इसमें भी हम लोग चाहें तो इसको यूनिक कर सकते हैं या फिर कस्टम कर सकते हैं कि कितने टाइम्स के लिए हमें करना है, कि सिर्फ 5 बार इस कूपन कोड को यूज़ किया जा सकता है। वैलिडिटी वी कैन सेट कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक रहेगा। तो कूपन कोड के लिए यहाँ पे पूरा परफेक्ट ऑप्शन दे के रखे हैं। देन वी हैव कस्टमर्स, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। यू कैन ईमेल देम, यू कैन व्हाट्सएप देम उनके नंबर के साथ में। अपीयरेंस यहाँ पर आप लोगों की वेबसाइट के लिए आपको फ्री में यहाँ पे 3 अपीयरेंस देखने को मिलती है। इफ़ यू वांट टू परचेज अनदर टेम्पलेट तो उसके लिए यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। और फ्री में हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, आई थिंक इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स। कस्टमाइज़ की बात करूँ तो कस्टमाइजेशन में यहाँ पर आपको काफ़ी लिमिटेड से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हेडर है, स्टोर इमेज है, फिर फॉन्ट और कलर बेसिकली यहाँ पर हम लोग चूज़ कर सकते हैं। फेविकॉन है, दैट इज़ इट। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन ही आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद पेजेस की बात करें तो पेजेस यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है तो आई कैन डू दैट। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ HTML फॉर्म्स वगैरह को एम्बेड, HTML एम्बेड का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, दैट इज़ बैड। HTML एम्बेड होना चाहिए था। तो HTML यहाँ पर मैं इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ पेजेस में, सिर्फ एक बेसिक सा बता सकता हूँ कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट hello@kripeshadwani.com। तो वही बेसिक्स हैं, यहाँ पर मैं पेजेस जनरेट कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं है। और मेन्यूज़ आइटम्स यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेन्यू यहाँ पे कैसा बनाना है। फिर आता है यहाँ पे प्लगइन, प्लगइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लगइन के थ्रू आप लोग इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पिक्सल डाल सकते हो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर आप लोग एड्स रन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। हेलो बार है, लाइव चैट के यहाँ पे फीचर्स हम लोग डाल सकते हैं। एंड SEO ठीक है, SEO नॉर्मल है। मेल चिम्प अगर आप लोगों को मेल चिम्प की रिक्वायर यूज़ करते हो ईमेल कैंपेन्स वगैरह रन करने के लिए, काफ़ी अच्छा टूल है। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट और ऑप्टिम मॉन्स्टर अगर आपको पॉपअप्स वगैरह देने हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। शॉपिफाई पे अगर आपका पहले से ऑलरेडी स्टोर है वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को ही। सो मार्केटिंग के लिए आपको टूल्स मिल जाते हैं, कस्टमर सपोर्ट के लिए कुछ लाइव चैट वाले टूल्स है, एनालिटिक्स के लिए है गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल और हॉटजार भी है यहाँ पर। स्टोर मैनेजमेंट के लिए अच्छे टूल्स है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स अच्छा है। अमेजोन पे अगर आपके प्रोडक्ट्स है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लगइन्स से जो इसकी यूटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एंड क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपको इसको इंस्टॉल करना है कि नहीं, तो वेबसाइट पे यहाँ पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। सिर्फ आप लोग उसी का यूज़ करोगे जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपकी वेबसाइट पे अननेसेसरी जो ब्लोटवेयर होता है वो नहीं आएगा। देन यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं तो माय अकाउंट है, स्टोर सेटिंग्स है, स्टोर सेटिंग्स देख लेते हैं एक बार कि आपको ऑटो एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। यहाँ पे मैंने नेवर करके रखा है, मतलब जब भी ऑर्डर आएगा तो पहले यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स पे जाना है, देन वहाँ पर एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ही कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका ऑर्डर यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है। तो इस स्टेज पर मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। देन पेमेंट है, पेमेंट के ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। दुकान पे, रेजर पे, कैश ऑन डिलीवरी भी रख सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। एक्स्ट्रा चार्जेस इफ़ यू वॉन्ट टू एड GST यू कैन डू दैट। GST के साथ आपका इन्वॉइस भी बन जाए
जाएगा। देन ऑर्डर फॉर्म है, गेस्ट चेकआउट यहाँ पर आपको इनेबल करना है कि डिसेबल करना है, यू कैन हैव एन ऑप्शन फॉर दैट कि बिना लॉगिन करे कोई यहाँ से ऑर्डर कर सकता है कि नहीं। स्टोर टाइमिंग्स, डोमेन्स, अगर आपके पास डोमेन है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन हैव योर ओन कस्टम डोमेन विच इज़ गुड। पॉलिसीज, रिफंड प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, तीनों को यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। देन लेट्स गो बैक टू द हेयर ट्यूटोरियल्स, हेल्प सेंटर है, दुकान, कम्युनिटी। कम्युनिटी इनकी अच्छी है, फेसबुक इनका ग्रुप है जहाँ पे एक्टिवली डिस्कस करते हैं दुकान के बारे में, बहुत सारे सेलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो कम्युनिटी इनकी अच्छी है। सपोर्ट की बात करी जाए तो लाइव चैट सपोर्ट है विच इज़ गुड, इट इज़ फास्ट, और यहाँ पर आपको कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, इंडियन फ़ोन नंबर है, तो यहाँ से आप लोग हिंदी में बात कर सकते हो अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो कस्टमर सपोर्ट इनका काफ़ी अच्छा है, इंडियन यूज़र्स के लिए और ज़्यादा अच्छा है। रोड मैप के बारे में बात करें तो ये रहा इनका रोड मैप। इसमें से जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो है प्लगइन इंस्टाग्राम फीड के लिए। इंस्टाग्राम फीड आप लोग यहाँ पे डाल पाओगे तो उसका प्लगइन ये लोग वर्क कर रहे हैं, उस पर आ जाएगा बहुत जल्दी। बाकी मोस्टली यहाँ पे इंटरनेशनल सेलर्स के लिए ही है। और एक और चीज़ है जो इन्होंने प्लान करके रखी है वो है पब्लिक API फॉर दुकान। एक बार इनकी API आ गई तो इट कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। इसको हम लोग पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जेपियर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेशन से यहाँ पे हर तरह के पॉसिबल हो सकते हैं अगर इनकी API आ गई तो। नाउ इससे पहले मैं यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँगा, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर आप लोग परचेस करने का डिसीजन लेते हैं तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। प्रोज के बारे में बात करी जाए तो इंडियन ऑडियंस के लिए परफेक्ट है, कस्टमाइज़ किया गया है इसको इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था, तो आपको हिंदी लैंग्वेज भी मिल जाता है, इंडियन रुपी का सपोर्ट मिल जाता है, इंडियन पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं, रेजर पे मिल जाता है, UPI का ऑप्शंस मिल जाता है, हिंदी सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट ले सकते हो आप लोग हिंदी में, तो इंडियन ऑडियंस के लिए परफेक्ट है, काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना, इट इज़ द ईजिएस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट आई हैव यूज्ड। और प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको जिससे आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो इसकी कोर फंक्शनैलिटी को, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड इट इज़ नाउ एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन इंडियन मार्केट। कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए एट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स पर ही यहाँ पर फोकस किया गया है एट प्रेजेंट, कोई एफिलिएट और रेफरल प्रोग्राम नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर है, मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे एफिलिएट कमीशन भी कमा पाए, तो उसका यहाँ पर एट प्रेजेंट कोई कमीशन नहीं है, मैं अपना एफिलिएट प्रोग्राम नहीं लॉन्च कर सकता हूँ। कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी कम है और कस्टम CSS HTML ऐड करने का भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक इफ़ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर स्पेशली इन इंडिया, तो ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर आपको बिगनर हो, अगर आपको इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म चाहिए और काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे आपको ये मिल रहा है, तो आपका बजट भी ज़्यादा नहीं है, मतलब शायद से Shopify का एक या दो महीने का प्लान ही आएगा जिसमें आपको ये लाइफ टाइम मिल रहा है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है, सिंपल टू यूज़ है, इंडियन यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है, फास्ट है, कॉल सपोर्ट भी मिल जाता है, UPI पेमेंट के ऑप्शन हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा एडवांस वर्जन देख रहे हो, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए देन मे बी यू कैन लुक एट Xero, या फिर अगर आपको और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो Shopify इज़ द बेस्ट वन फॉर दैट। लेकिन स्टार्टिंग के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे, इजी टू यूज़ पे, दिस इज़ हार्ड टू बीट दुकान ऐप, गेट इट राइट नाउ। और ये रिफंडेबल भी है, 60 days के अंदर अगर आपको नहीं पसंद आता तो यू कैन ऑलवेज रिफंड इट। तो इफ़ यू लाइक द रिव्यू, इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन एन ई कॉमर्स स्टोर या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, तो डू चेक दिस वन आउट। सो दैट इज इट फॉर दिस वन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।